आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल फोन से एक नई ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में जीमेल ऐप को ढूंढ लेना है। ठीक, तो आप देखेंगे तो हर एक फोन में जो है जीमेल ऐप रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपके अगर मोबाइल फोन में गूगल करके दिख रहा है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में गूगल के जितने भी ऐप होते हैं देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अगर पहले से कोई ईमेल आईडी लॉगिन होगी तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। अगर नहीं लॉगिन रहेगी, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तब कैसे इंटरफेस दिखेगा अभी आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मेरे में देख सकते हैं पहले से लॉगिन है, आपके में पहले से लॉगिन है तो आपको यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक कर देना। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। और अगर आपके मोबाइल फोन में कोई ईमेल आईडी पहले से लॉगिन नहीं होगी तो यही वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है गूगल, आउटलुक, याहू, तो यहाँ पे आपको गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंतजार कर लेना है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मैं इसे लगा देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नई ईमेल आईडी बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, जिसके बाद में दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, फॉर माई पर्सनल यूज और यहाँ पे फॉर वर्क आर माई बिजनेस। तो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग बनाते हैं फॉर माई यानी पर्सनल यूज के लिए ही बनाते हैं, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे फर्स्ट नाम पूछ रहा है, तो आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नाम जो भी है आपका डाल देना है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे सरनेम, अगर आपका सरनेम है तो डाल सकते हैं, अन्यथा ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो मेरा फर्स्ट नाम है क्योंकि मेरे नाम में टाइटल वगैरह नहीं लगा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक, उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, जिसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपनी जन्म तिथि डाल देना है। अब डे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जन्म तिथि का यानी कि डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ से जो है मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो है जो भी आपकी जन्म तिथि का ईयर है यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, बिल्कुल जो आपके आधार कार्ड में या फिर आपके डॉक्यूमेंट में वही डालिएगा, क्योंकि अगर आप गलत जन्म तिथि डालते हैं तो हो सकता है कभी आपका ईमेल वगैरह का पासवर्ड वगैरह आप रिकवर ना कर पाएं, इसलिए आपकी जो एक्यूरेट जो है जन्म तिथि वही डालिए। उसके बाद नीचे देखेंगे जेंडर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जिसके बाद में यहाँ पे जो है आपको ईमेल आईडी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अब जो भी आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। अब हो सकता है कि जो आप डालें वो ईमेल आईडी पहले से कोई ले रखा हो, क्योंकि सबकी ईमेल आईडी अलग अलग रहती है। एक ईमेल आईडी यानी कि एक नाम से एक ही ईमेल आईडी रहती है, मल्टीपल नहीं रहती है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ईमेल आईडी बनाते हैं, आप अपना नाम वगैरह कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ, संख्या मिला के कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे चेक करता हूँ, तो इसे मैंने चेक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं दैट यूजर नेम इज टेकन, तो इसको पहले से कोई ऑलरेडी ले रखा है। तो यहाँ पे हम कुछ और भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ और ऐड कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं तो ये जो है खाली है। जिसके बाद में पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दे रहा है, तो पासवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी ईमेल आईडी को कोई पता यानी कि लॉगिन ना कर सके। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड में आप अपने नाम का कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और संख्या बना के जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और जिसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी बनाया है एक बार आप उसे चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर सही है तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जिसके बाद में इसकी प्राइवेसी एंड टर्म्स वगैरह यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे जाना है। और यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड करना रहता है, तो अगर ऐड करना चाहते हैं तो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है मोबाइल नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी कभी जो है पासवर्ड वगैरह भूलते हैं तो रिकवर करने में थोड़ा सा आसानी होगी। बाकी हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करने वाले हैं, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप भी बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एग्री के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जिसके बाद में अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ईमेल आईडी जो है बनके तैयार हो चुकी है। चेक करने के लिए जैसे आप इस वाले लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले से मेरी जो आईडी लॉगिन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो अभी मैंने ईमेल आईडी क्रिएट की है सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी आ चुकी है। अब इसे लॉगिन करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी नई ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। और यहाँ पे अभी आपका कोई भी मेल वगैरह नहीं है, तो इस तरह से एक नई ईमेल अकाउंट बनाते हैं या फिर जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी नया बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।